स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू योर इंग्लिश ऑनलाइन क्लास वन। आई एम योर इंग्लिश टीचर मैम मारिया। स्टूडेंट्स आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह। स्टूडेंट्स इन प्रीवियस लेक्चर वी स्टार्टेड लेसन नंबर 10 लेडी ब्लिंडा एंड द चिकन। स्टूडेंट्स एज यू नो लेडी ब्लिंडा लिव्ड इन अ लिटल विलेज। वो एक छोटे से गाँव में रहती थी, ठीक है। शी वॉज स्वीपिंग द ड्राई लीव्स दैट हैड फॉलन ऑन हर कंपाउंड। और वो क्या करती थी, ड्राई लीव्स गट्ठे करती थी झाड़ू से जो घर में घिरे हुए होते थे, ठीक है। ओके नेक्स्ट इन प्रीवियस नेक्स्ट एक्सरसाइज इन दिस चैप्टर। ओके लेट्स स्टार्ट। कंप्लीट द सेंटेंसेस विथ पोसेसिव एडजेक्टिव। स्टूडेंट्स पोसेसिव एडजेक्टिव से आपने सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं। पोसेसिव जो एडजेक्टिव्स हैं वो कौन कौन से हैं, माई, आवर, योर, हिज, हर, हिम, ये जो सब हैं ये पोसेसिव एडजेक्टिव्स हैं। हमने इनको कंप्लीट करना है सेंटेंस में। आई हैव गोट डैश शूज माई शूज़। ओके सेकंड है वी हैव गोट आवर हाउस। यू हैव गोट योर स्केट बोर्ड। दे हैव गोट देयर। अब ये जो देयर है ये पोसेसिव एडजेक्टिव है। देयर हर्ट। ही हैज़ गोट हिज बैट। शी हैज़ गोट हर हेयर क्लिप्स, ठीक है। ये जितने भी हैं ये पोसेसिव एडजेक्टिव्स हैं। ओके नेक्स्ट राइट सम सेंटेंसेस अबाउट लेडी ब्लिंडा। आपने कुछ सेंटेंसेस लिखने हैं लेडी ब्लिंडा के बारे में। नंबर वन लेडी ब्लिंडा लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज। लेडी ब्लिंडा कहाँ रहती है, एक छोटे गांव में, ठीक है। शी लुक्स एन ओल्ड लेडी। वो कैसे दिखती है, दिखाई देती है एक बूढ़ी औरत की तरह, एक ओल्ड लेडी की तरह। ब्लिंडा इज़ एन ओल्ड बट स्मार्ट लेडी। ब्लिंडा जो थी वो एक ओल्ड थी, बूढ़ी थी, लेकिन वो स्मार्ट लेडी की तरह नज़र आती थी। शी इज़ अ टाइडी वूमेन। टाइडी मीन क्लीन, साफ सुथरी औरत थी। शी कीप्स हैन एंड चिकन्स इन हर हाउस। वो घर में उसने क्या रखी हुई थी, मुर्गी, और ये जो मुर्गियाँ वगैरह हैं उसने अपने घर में रखी हुई थी और उसकी हिफाजत वगैरह, उसकी केयर वगैरह करती थी। ओके स्टूडेंट नेक्स्ट है सिंगुलर प्लूरल्स। इसके कुछ रूल्स हैं। मोस्ट नाउन्स एड एस टू फॉर्म प्लूरल। कुछ जो नाउन हैं वो एस लगा के प्लूरल बनते हैं, ठीक है। जैसे गोट, गोड्स, ठीक है। गोटेस नहीं होगा, गोटीज नहीं होगा, तो एस लगा के वो प्लूरल बन जाते हैं वो गोड्स। जैसे विंडो, विंडोज। नेक्स्ट है नाउन दैट एंड विच सॉरी विद एस एच सी एच एक्स जेड और एस एड ई एस। जिस नाउन की लास्ट में एस एच सी एच एक्स जेड और एस आए तो आपने लास्ट में क्या लगाना है, E एंड S, ठीक है। नाउन एंड विद वावल, और जो नाउन वावल प्लस Y जिस नाउन में आ जाए, वावल समझते हैं ना, ई आई ओ यू, ये वावल वर्ड हैं। कोई भी वावल वर्ड आ जाए और Y हो तो आपने S लगा देना है। कॉन्स्टेंट प्लस Y, कॉन्स्टेंट A E O I U O E A सॉरी वावल के अलावा A B C D सॉरी B C D E F जो भी है A E I O U के अलावा जो भी हैं वो कांस्टेंट अल्फाबेट्स हैं, प्लस वाई आ जाए तो आपने वाई की जगह आई और ई एस लगा देना है। फॉर एग्जांपल आर्मी। अब ए जो है वो वावल है और वाई भी मेंशन है तो हमने वाई को हटा के आई ई एस लगा देना है, वाई की जगह आई और ई एस ऐड कर देना है। है नाउन दैट एंड विद एफ एंड ई एफ। जो नाउन एफ और ई एफ से एंड होता है उसके लास्ट में आपने एफ और ई एफ को हटा के वी ई एस मेंशन कर देना है। नाउन एंड विद वावल प्लस ओ। जो नाउन वावल और ओ से एंड होते हैं जिसके लास्ट में ओ भी हो और वावल भी हो तो वो एस लगाया जा सकता है, उसके लास्ट में आपने एस लगाना है। नाउन एंड विद कॉन्स्टेंट, और जो नाउन कॉन्स्टेंट और प्लस ओ से एंड होते हैं आपने ई एस लगा देना है। ओके लेट्स स्टार्ट। गोट, गोट्स। स्टूडेंट्स देखें कुछ नाउन हैं जिसके लास्ट में हम जस्ट एस लगाते हैं। चाइल्ड फॉर एग्ज़ाम्पल चिल्ड्रन, ना तो हम चाइल्ड्स कर सकते हैं ना चाइल्डस्ट कर सकते हैं, तो ये प्लूरल्स में क्या आएगा, चिल्ड्रन। लास्ट बेबी,
अब देखें बेबी में वॉवल वर्ड आया है वाई से पहले ए ई आई ओ यू, तो ए आया है और वाई भी है, तो हमने क्या रूल था, वॉवल हो और प्लस वाई हो, वाई को स्किप करके आई और ई एस लगा देना है, ठीक है। और जिस वर्ड के आखिर में एफ या ई हो या जस्ट एफ हो, तो आपने एफ ई ओ या एफ ओ इनको स्किप करके वी ई एस लगा देना है, ये भी मैंने रूल में आपको बताया है। और एक्स सी एच एस एच ये वर्ड आपको नज़र आ जाए तो उसमें भी आपने ई एस लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट है, अब देखें मंकी, ये लास्ट सेकंड लास्ट, अब इसमें ओ है, ए ई आई ओ यू वॉवल वर्ड है और उसके बाद आप देख सकते हैं वाई भी है, तो हमने वाई को स्किप करके आई सॉरी इसमें ये रूल भी कर सकते हैं, मंकीज भी हो सकता है और एस भी लगाया जा सकता है। अब जैसे मैंगो है, ठीक है, और मैंगो में ए ई ओ यू है, वॉवल भी है और प्लस ओ है, तो हमने क्या करना है, ई एस लगाना है, ठीक है। ये वो थी रूल था, जब वाई हो और उससे पहले ए ई आई ओ यू हो तो हमने ई एस लगाना है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, स्टे ब्लेस, अल्लाह हाफिज़।